उड़ते भाजी बहन से दो टायर पे गाड़ी। हाँ इस तरफ से ओ भाई साहब देखो महंगा सौदा थोड़ा सा। नाइन उठाने आए थे और टेन उठा लिया उन्होंने, साथ में एक्सेसरी वगैरह माइक अडैप्टर। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैलेंस ऑन व्हील्स। तो भाई कैसे हो आप लोग, आई होप कि सारे अच्छे होंगे और कुछ बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज का कुछ नरिया ऐसा है कि यार यार चंडीगढ़ में ना मैं पहली बार ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ तो मैं काफ़ी टाइम गया हूँ बट जो कैमरा लगा के गया हूँ वो मैं आज पहली बार जा रहा हूँ। तो सीन कुछ ऐसा कि मुझे थोड़ा काम था मोहाली में और पीछे मेरे हरिदेव भाई आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा चंडीगढ़ में काम था, गोप्रो की एक्सेसरीज वगैरह लेनी है, तो वो लेंगे पहले, सीधा बाई सेक्टर में जाएंगे पहले वो लेंगे और उसके बाद फिर मोहाली जाएंगे। अभी शायद स्कूल में बच्चे बाहर निकले, छुट्टी का टाइम हो गया तो थोड़ा सा आराम से चलना, क्योंकि इस रोड पे ना काफ़ी सारे स्कूल हैं। चलो आगे फिर वैभव के हाल चाल है। हम तेज में गाड़ी में से गाड़ी में था तू चोट भी लगी? मैं भी इसमें था ना। चोट भी लगी भाई को? और यहाँ लगी भाई, बहुत गलत चलते बस वाले आपको पता होना, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पिछले मोड पे क्या बोला है? जब मैं बाइक में चलता हूँ मेरे को बड़ा डर लगता है ना भाई, इनसे पास देखो ये हो जाते आगे पीछे। भाई इतनी पोल्यूशन कराया हमने यहाँ पेट्रोल पंप पे ना, हाँ? कांड कर दिया हमारा। क्या पेट्रोल पंप से बाहर निकल रहे थे? निकल ही रहे थे यार, निकल गया मतलब थोड़े जे आए थे, मतलब पेट्रोल पंप देख लो और लिखा हुआ थोड़ा सा आपके पास। भाई बहन की ऐसी फीलिंग हुई ना, मांगा क्या उड़ते भाजी बहन से दो टायर पे गाड़ी। चला चला कौन रहा था भाई? सच में अगर मारुति वगैरह होती ना तो सही। कुछ नहीं लगाया हमने यार, पेट्रोल पंप पे पोल्यूशन कराया, अब ब्रेक क्यों लगानी, हम तो चल नहीं थे। हाँ भाई बस मोड़ के बाद बंदा पीछे से, ये पता क्या करते यार भाई मोड़ पे ना, अगर मोड़ काटेंगे ना। हाँ बाहर पूरे यहाँ चले। हाँ ये तो है, लेन चेंज कर लेते हैं साइड भाई इस साइड बैठे थे पीछे से। ओ यार भाई सच में काम ज्यादा पड़ गया, गलती तो चल लगी लुगी नहीं ना, बस वो ठीक हो गया थोड़ा। खोल ही लो नंबर प्लेट तो। अबे क्या बोल रहा है, क्या बस वाला क्या बोल रहा है? ये तो शुक्र है टाटा थी, अगर मारुति वगैरह होती ना उसने तो पीछे जाना था भाई। गेड़े में चलाना मेरे हिसाब से क्या ड्राइवर बोल क्या रहा? अब कुछ नहीं बोल रहा, उसने क्या बोलना, मैंने कह रहे मैं उनको तो पता तक नहीं चला भाई, बच्चे जो आपके पास पीछे से ही कोई मार दे तो क्या पता लगा। हाँ ये तो है, लो 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 आगे तो बंदे का आईडिया हो जाओ, आगे तो दिख भी जाता ना कि चल हाँ कुछ आ रहा। वही तो मैं बोल रहा, हम तो आगे को देख के चले हुए थे, बढ़िया बातें कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हमारा सॉल्यूशन करा के निकले थे।
रोड पे मतलब ये जो साइड है ना रोड पे लगी भाई, मैं बोल रहा दो टायर की गाड़ी और पर टूट गई थी और ये स्पीड को यूं थी पहले सीधी आई। हां यूं गई है भाई, पर पलट गई फिर यूं गई। अच्छा मतलब पलटा खाती खाती बची है। हाँ इस तरफ से ओ भाई साहब वाह देखो बस बस को इसलिए नहीं हुआ, बस भी टाटा की है, बस का तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, बस भी वही सही चीज है सही में भाई, गाड़ी घोड़ियाँ तो बनती रहेंगी फिर से। भाई खतरनाक ही गस्सा हो गया यार ये तो। गाड़ी में थे आगे था ना ये, एक ही सीट पे इंपैक्ट पड़ा, फटा नहीं इसका फिर फटा नहीं फटा नहीं ये बस हो गया गाना तो। ए यार ये तो बस ही आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके तो धसे दियो जाके बस ही। पैसेंजर नहीं, पैसेंजर तो उतार के भेज दिया उन्होंने भाई। यार पता क्या, जब ढलान हो ना तब चलने आराम से चाहिए, ये पीछे गेड़े से आ रहे, पता पीछे वाले मोड़ से दिख रहा था कि सामने कुछ ना कुछ चला है, बट पता नहीं बस वाला कैसे चला रहा था, किसी हिसाब से चला रहा था। चलो भाई बस ये कि सेफ हैं सारे, ज़्यादा किसी को चोट वगैरह नहीं है, अभी समझौता कर रहे हैं तो बस वाला ड्राइवर पता नहीं क्या बोल रहा है बट नहीं नहीं हो रहा। भाई फ्यूल कैप खुला था इनका, जा रहे हैं अभी 22 सेक्टर, वहाँ से एसेसरी वगैरह लेते उसके बाद जाएंगे मोहाली में, और जो भाई बीच में एक्सीडेंट हुआ था ना वो गलती, यहाँ भी संभल के चलना पड़ना। हरियाणा पुलिस मार दो रही थे भाई, बीच में मारो फिर चलान कटवाएंगे। यहाँ पर भी मेरा दो बार चलान हो रखा है, और जो अभी एक्सीडेंट हुआ था वो गलत था भाई, उसमें ना 110% उसकी थी। ये क्या हो रहा है, बस वाले की गलती थी, वीडियो में आपने देख लिया होगा, हमने वहीं से फुटेज निकलवाई थी, एक कैमरा और था लगा हुआ वो प्रॉपर फुटेज देता हमें, बट उसमें थोड़ा सा ना उसका पता नहीं चल नहीं रहा था, वो बंद था कैमरा, तो भाई अगर टाटा की गाड़ी थी इसलिए बच गई, अगर कोई और गाड़ी होती ना तो भाई रिस्क था, बहुत ज़्यादा रिस्क था। चलो कोई ना, लगी ज़्यादा नहीं, एक बंदे को लगी है जो पीछे बैठे थे, उनके थोड़ी सी सर में चोट आई है, बाकी तो सेफ हैं सारे भाई। हरिद्वार भाई सीधा पहुंच गए दुकान पे, और देखो महंगा सौदा थोड़ा सा, 9 उठाने आए थे और 10 उठा लिया उन्होंने, साथ में एक्सेसरी वगैरह, माइक अडैप्टर और कौन सा है उलांजी का है केस, ये भी ना ठीक है ये, और मेमोरी कार्ड कितने इसमें, 256 चल पड़ता है, अच्छा सैंडिक्स का ले रहे, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ही चलता है इसमें, 4K के लिए चाहिए आपको एक्सट्रीम। ये कितने का पड़ रहा है, ऑनलाइन भी इतने का ही है शायद भाई। हीरो 9 का रेट भी सेम चल रहा है और 10 का भी, सिर्फ 1000 का डिफरेंस, 9 लेने आए थे बट कोई नहीं। चलो दिखाओ, टेटी तोड़ दी क्या आपने, लो जी इन वॉक्स, जो बैग मिलता है वो बंडल पैक में मिलता है, हाँ ऐसे नहीं मिलता ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैग तो मेरे पास पड़ा हुआ, मेरा पता नहीं कहाँ पहना। चलो जी लो भाई,
बैटरी तो पूछो कि बैटरी है आपके पास पड़ी है? अच्छा फिर तो ठीक है। विदाउट पावर 99 की। क्या क्या सामान मिलता है आपको इसमें? चार्जिंग केबल और तो मिलता है हेलमेट माउंट मिलता है, एक ही माउंट है ये तो। अच्छा ही इसमें इंगेज होगा ना, और आपको एक मिल का है स्क्रू। महंगी बातचीत।